थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को पॉलिटिक्स से संबंधित जानकारी जरूर दीजिए। बिना पॉलिटिक्स के हमने कहा ना कि मुक्ति नहीं मिलने वाली। एक बार हमको विधानसभा चाहे लोकसभा भेज दो, तभी हमको मुक्ति मिलेगी, और ये सच्चाई है। स्कूलों में भी होनी चाहिए राजनीति की पढ़ाई। किताबों के साथ साथ बच्चों को सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान भी देना चाहिए। बता दें कि ये कहना है बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह का। दरअसल सुमित कुमार सिंह दानापुर स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही। पहले आप वो सुन ले। जो विद्यालय के जो लोग हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, ये तो अच्छी शिक्षा देंगे ही। हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को पॉलिटिक्स से संबंधित जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कहने को लोग कह देते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, लेकिन बिना पॉलिटिक्स के हमने कहा ना कि मुक्ति नहीं मिलने वाली। आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चीफ सेक्रेटरी बनो, लेकिन लास्ट में कहोगे कि एक बार हमको विधानसभा चाहे लोकसभा भेज दो, तभी हमको मुक्ति मिलेगी, और ये सच्चाई है। अब हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, हमारा आगे भी कार्यक्रम है। बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। पटना के दानापुर स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का थीम अतुल्य भारत रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने अपने अपने रंगारंग कार्यक्रम से समा बांध दिया। स्कूली बच्चों ने अतुल्य भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमा चंद्रवंशी के साथ साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी उपस्थित थे। स्कूल की प्रिंसिपल शोभिका यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि कार्यक्रम में स्कूल के करीब 700 बच्चों ने वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया और अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी अतिथियों और अभिभावकों का जोरदार तरीके से स्वागत भी किया।